राजधानी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पंजाब में एनडीए गठबंधन जो हुआ है उसमें भाजपा, पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल ढिंडसा हम सब मिलकर पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा 65 सीटों पर, पंजाब लोक कांग्रेस 37 सीटों पर और 15 सीटों पर संयुक्त अकाली दल ढिंडसा चुनाव लड़ेंगे। नड्डा ने कहा कि पंजाब बॉर्डर पर स्थित राज्य है, देश की सुरक्षा के लिए पंजाब में स्थिर और मजबूत सरकार बनना आवश्यक है। पाकिस्तान की हरकतें हमारे देश के लिए कैसी रही हैं ये हमें मालूम है। हमने वहां पर देखा कि ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग का प्रयास वहां होता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इसको डिरेल करने का कुकसित प्रयास देश विरोधी ताकतें करती रहती है। इस डिरेल में पंजाब के थ्रू एक्टिविटी हो या देश विरोधी ताकतों की हमेशा मंशा रहती है। पंजाब के चुनाव के दृष्टि से जो एनडीए अलायंस हमारा हुआ है वह भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल ढींसा हम सब लोग मिलकर के पंजाब के विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और ये एनडीए का अलायंस जो हम तीनों लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों में 65 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारे पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 37 सीट्स लड़ेंगी और 15 सीट्स संयुक्त अकाली दल ढींसा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लगभग 600 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है और हमें मालूम है कि पाकिस्तान की हरकतें वेस्ट से हमारे देश के लिए किस तरीके के रहे हैं वो भी हम सबको मालूम है। जेपी नड्डा ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का ही माध्यम नहीं है, सरकार बदलना ही इस चुनाव का उद्देश्य नहीं है। ये चुनाव आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए और पंजाब को स्थिरता देने के लिए है। पंजाब सुरक्षित रहता है तो देश सुरक्षित रहता है।